Friends, welcome back to our channel. Today this video we are going to learn mathematics for class 10th. And today this video we are going to show exercise 5.2 and also know about the earth term of the AP. In the previous video we are already understand what is the AP and how can we are finding the fourth term, fifth term or any four terms of the AP. Now today this video we are फाइंड द ईयर्स टर्म ऑफ एपी यानी एपी का किसी भी एपी का जो है एनुअल टर्म फाइंड करने का कोशिश करेंगे किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं तो लेट्स स्टार्ट करते हैं शुरू करते हैं हम ईयर्स टर्म ऑफ एपी के बारे में तो एक बार एपी के बारे में फिर से गौर से देखा जा रहा है एपी के बारे में तो जिस तरीके से अगर किसी भी एपी का जो है अगर फर्स्ट टर्म जो हमारा किसी भी एपी का जो है अगर फर्स्ट टर्म ही है और जो उसका कॉमन डिफरेंस होता है जो कॉमन डिफरेंस है वो डी होता है तो एपी का आपको हमें सीक्वेंस बता रहा था जिस तरीके से a प्लस b a प्लस 2d लाइक दिस गौर किया जाए तो अगर फर्स्ट टर्म को अगर हम इवन बोलते हैं तो इस तरीके से अगर हम अगर फर्स्ट टर्म को इवन बोलते हैं तो वो a है जब सेकेंड टर्म की बात आती है तो हम a2 के लिए a प्लस d करते हैं पैटर्न बस ये करना है और a3 की जब बात आती है तो हम राइट करते हैं a+2d लाइक दिस जब a4 यानी फोर टर्म फाइंड करते हैं तो a+3d गौर करेंगे इस तरीके से कि अगर d2 है तो सिंगल लगाते हैं a2 के लिए 1d है a3 के लिए 2d होता है a4 के लिए 3d यानी जो टर्म फाइंड करना है वो लेस डी है इस तरीके से सीक्वेंस में अगर हम फाइंड करें an के लिए तो a प्लस जैसे 4 है तो उससे कम 4 माइनस 1d है 3 a3 फाइंड करने के लिए a प्लस 3 माइनस 1d है इस तरह से a2 फाइंड करने के लिए 2 माइनस 1d है यानी कि इस तरीके से यहां पे कर सकते थे 2 माइनस 1d 3 माइनस 1d 4 माइनस 1d उस तरीके से अगर n वाला है तो n टर्म के लिए क्या करेंगे हम तो हम यहां पे कर सकते हैं n माइनस 1d लाइक दिस यही आपका n टर्म के लिए फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d इस तरीके से यहाँ पे यंग जो है आपका नंबर ऑफ टर्म बोलेगा फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म सेवन टर्म टेन टर्म ट्वेंटी टर्म कोई भी राइट कर सकते हो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट राइट कर सकते हैं स्टार्टिंग से फर्स्ट से यंग टर्म के लिए फॉर्मूला आपका काम करेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d और इसी तरीके से ये स्टार्टिंग से है जैसे कोई एपी हम राइट करते हैं जहां पे a आपका फर्स्ट टर्म है यह नंबर ऑफ टर्म है और d आपका कॉमन डिफरेंस है तो यंग टर्म फाइंड कर सकते हैं स्टार्टिंग से और इसी तरीके से जब हमें कोई टर्म लास्ट से फाइंड करना हो लास्ट वाले से ये नंबर टर्म क्योंकि अगर कोई एपी लिखा जाएगा 3 6 9 12 लाइक दिस तो इस एपी का अगर मान लो इसमें 10 टर्म है तो स्टार्टिंग से अगर आपको फोर टर्म जानना है या लास्ट से फोर टर्म जानना है तो किन अलग फॉर्मूले बनेंगे अभी फिलहाल ये स्टार्टिंग से है जब लास्ट से जानना होगा तो कुछ नहीं इसी तरीके से होगा अगर उसको हम ln से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ln इक्वल टू L माइनस N माइनस 1d लाइक दिस यानी L जहां पे आपका लास्ट टर्म है और LN जो है लास्ट से Nवा टर्म है यानी इंड से जो है फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म थ्री टर्म उसके लिए फॉर्मूला वर्क करेगा बस यहां प्लस वहां माइनस कर देंगे इसी तरीके से इन दो फॉर्मूले पर ही इस एक्सरसाइज 5.2 के जो भी है क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे तो आइए कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चन करके आपको और जो इसके कंफ्यूजन है उसे क्लियर करते हैं एपी के जो भी रूल्स हैं उसे क्लियर करते हैं तो फिलहाल इसका एक ही फॉर्मूला है तो यहां पे राइट कर देते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d स्टार्टिंग से n वे टर्म के लिए है पहले इसे समझते हैं जो लास्ट का आएगा उसे बाद देखा जाएगा किस तरीके से है लाइक दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एक्सरसाइज सम एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक दिस फाइंड द टेन टर्म ये केपी दिया हुआ है 2 7 आपका एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके एनसाइटी बुक का 2 7 10 लाइक दिस एपी दी गई है और इसका हमको फाइंड करना है टेन टर्म 10th टर्म हमको फाइंड करना है तो हाउ कैन फाइंड तो इसके लिए मालूम है आपको फॉर्मूले के लिए
कि हमें उसमें ए और एन और डी की जरूरत होती है। इस तरह से हम इस सीरीज से कलेक्ट करेंगे, पहले इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमने प्रीवियस चैप्टर सीख लिया है कैसे ए और डी निकालते हैं। ए आपका टू हो जाएगा, और डी के लिए जो डी फाइन करना होता है तो नेक्स्ट प्रीवियस टर्म्स को माइनस कर देते हैं, सेवन माइनस टू। इस तरीके से जो कॉमन डिफरेंट है वो हमारा फाइव हो जाएगा लाइक दिस। और जो एन है हमें टेंथ टर्म फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू टेन हो जाएगी लाइक दिस। तब हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ए टेन इक्वल टू पहले ए की वैल्यू लिखी जाती है तो टू, और एन के लिए टेन माइनस वन, और डी के प्लेस पे फाइव। इस तरीके से जो टेंथ टर्म है, जो दसवां टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं, टू प्लस टेन प्लस वन माइनस होगा नाइन इंटू फाइव लाइक दिस, टू प्लस 45, देन फाइनली 10th टर्म विल बी 47, यानी इस सीरीज का जो है 10th टर्म की वैल्यू होगी 47, लाइक दिस। वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट एनी अदर क्वेश्चंस, वन मोर क्वेश्चन, डिटरमाइन द एंट्री हूज फोर्थ टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9, लाइक दिस। वंस अगेन अनदर क्वेश्चन, डिटरमाइन उस ए पी को फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म दिया हुआ है, यानी ए थ्री, थर्ड टर्म इक्वल टू फाइव, एंड जो सेवन टर्म है ए सेवन, जो सेवन टर्म है वो आपका नाइन है। तो आपको मालूम है इससे यूज अगर लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी विल ए एंड कॉमन डिफरेंट इज डी, देन हमारा थर्ड टर्म के लिए हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी 2 माइनस वन डी इक्वल टू फाइव, या 1 माइनस हो जाएगा यानी 3 माइनस वन डी है, तो a प्लस 2 डी इक्वल टू फाइव, ये एज अ फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। एंड लाइक दिस जो 7 टर्म है उसके लिए a प्लस 7 माइनस वन डी इक्वल टू 9, दिस मीन्स a प्लस 6 डी इक्वल टू 9, ये जो है सेकेंड हो जाएगा लाइक दिस। अब ये टू वेरिएबल है, पेयर ऑफ टू वैल्यूज जितनी क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करके डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद एक इसको भी डाइड कर सकते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से करेंगे ए प्लस 6 इक्वल टू 9, और डाउन में होगा ए प्लस 2 इक्वल टू 5। जब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4d इक्वल टू 4, दिस मीन्स d इक्वल टू 1, 4 से डिवाइड हो जाएगा। इस वैल्यू को पुट अप कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में ही, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, जब फर्स्ट में इसे राइट करते हैं लाइक दिस, तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 लाइक दिस, 2 जाके माइनस जाएगा तो a इक्वल टू 5 माइनस 2 a इक्वल टू 3। तो इस तरीके से जो रिक्वायर्ड एपी है, रिक्वायर्ड एपी लिखना होता है, तो पहले 3, उसके बाद उसमें डी एड करेंगे 1 तो होगा 4, 1 1 के डिफरेंट लिखना है, आफ्टर दैट 5, आफ्टर दैट 6 लाइक दिस। ये जो है हमारे एपी का जो है सिक्वेंस हो जाएगा लाइक दिस, ये गिवन एपीज है। इस तरीके से अगर किसी एपीज के जो है टू टर्म्स दिए हुए हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म, और एपी फाइंड करनी थी, इस तरीके से इन केसेस पे जो है फॉर्मूले ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी के फॉर्मूले राइट करेंगे, और इस तरीके से इन केसेस में हमको जो है पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जैसा मिलेगा, और उसी रूल से हम फाइंड कर लेंगे ए और डी, और जब किसी भी एपी का ए और डी हमें मालूम होगा तब उस हिसाब से उस एपी को राइट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग रूल्स सम स्पेशल, जैसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है, जितने टाइप के क्वेश्चन है आपको टिक कर देते हैं एग्जांपल के, ताकि आप एक्सरसाइज बेटर वे में सॉल्व कर पाइएगा। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर, हमें चेक करना है, अभी क्वेश्चन रिलेटेड टू चेक है, चेक वेदर 301, हमें चेक करना है 301 इज द टर्म ऑफ द, ये गिवन सीरीज है उसका एक नंबर है कि नहीं, 5, 11, 17, 23, ये कुछ इसके फॉर्म है,
और हमें फाइंड करना है कि ये जो है हमारा गिवन एटी का जो है पार्ट है कि नहीं, ये जो समय ये 301 इसका कोई ना कोई टर्म है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करते, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे एपी का एक टर्म है लेट, और ऐसा कुछ है तो हम उसके लिए एन फाइंड करते हैं कि ये 301 जो है कौन सा टर्म हमारे एपी का है। अगर किसी भी एपी का आपको एन वन टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला कर रहे हैं कि एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन को इधर राइट लगा दिया इक्वेशन फाइंड करेंगे इक्वल टू एन लाइक दिस। तो यहां से हमें ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 11 माइनस 5 6। तो इस तरह की एच की वैल्यू हमें अननोन है और एन की जगह रखेंगे 301 लाइक दिस। तो ए इक्वल टू 5 एन माइनस 1 और डी के प्लेस पर ऐड करते हैं 6 और ये होगा 301। पहले 5 को जाके सबट्रैक्ट कर लेते हैं, एन माइनस 1 इज अ लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल सिंपल में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, वी हैव टू फाइंड ओनली वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 पहले सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो 11 चेक करेंगे 6 हो जाएगा और उसके बाद कैरी 1 दे चुके 9 एंड 2 हो जाएगा लाइक दिस। देन एन माइनस 1 इक्वल टू 296 बाई 6, इसे जो है पहले 2 से कट कर लेते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16 बाई 3। अब इसके बाद तो ये डिवाइड नहीं होंगे, 1 को ले जाकर माइनस कर लेते हैं, एन इक्वल टू 148 बाई 3, ये माइनस जाके प्लस 1 हो जाएगा लाइक दिस। अब इस तरीके से जो एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, 8 हो जाएगा ये 148 एन प्लस 3 एड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 151 बाई 3। और एन की वैल्यू जो है एक क्या आ गया, ये इंटीजर एक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है हमारा, ये होल नंबर नहीं है और ये हमारा यहाँ पे ऑड नंबर है, यानी जैसे कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ये कभी भी होल नंबर होना चाहिए। और एन की वैल्यू एक जो है रेशनल नंबर है, ये एक जो है इंटीजर नहीं है, तो ये शो करता है कि ये जो टर्म्स है ये हमारे एपी का पोर्शन नहीं है, क्योंकि ये अगर हमारे एपी का पोर्शन होता तो ये एक जो है नॉन निगेटिव इंटीजर आता, यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर आता, 7, 20, 30, 15, 35 ऐसा कुछ भी आता। तो इस तरीके से कभी भी कोई टर्म नंबर दिया हो और एक एपी दी हुई हो और हमें फाइंड करना है हमारे एपी का वो टर्म्स है कि नहीं, तो उसके लिए हमें उसे एज अ एन टर्म्स एनवा टर्म्स को मान के और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एन की वैल्यू अगर कंप्लीट नॉन निगेटिव इंटीजर्स आता है तो हम तो बोलेंगे वो बिलोंग करता है हमारे एपी से, और अगर इस तरीके से कोई निगेटिव आ जाए या फिर फ्रैक्शन आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो हमारे एपी का नहीं है, जिस तरीके से इस क्वेश्चन में था लाइक दिस। वन अनदर एग्जाम्पल रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लास्ट टर्म से ले लेते हैं इस तरीके से है, देखिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव बाई 11 टर्म आप देखिए एक्टिव हुई है लाइक दिस, 10, 7, 4 डॉट डॉट करते हुए -62 लाइक दिस। अब हमें जो है 11 टर्म फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द 11 टर्म ऑफ दिस एपी 10, 7, 4 और इस तरीके से एपी है इसका 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो इस तरीके से जब हमें 11 टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है, या तो हम एपी को ही इसके डिफरेंट पैटर्न में ऐड कर दें उल्टे पैटर्न में और स्टार्टिंग से फाइंड कर सकते हैं, या अभी हम अपने पहले जो आपको फॉर्मूला लिखे उससे करते हैं। तो उस कंडीशन को अगर देखा जाए तो यहां पे पहले तो ए इक्वल टू 10 आपका हो जाएगा
बी इक्वल टू 7 माइनस 10 -3 हो जाएगा। वैसे तो ऐसे में मतलब नहीं, यहाँ तो हमें लास्ट टर्म चाहिए होता है। तो अगर एल इक्वल टू लास्ट टर्म डिनोट करते हैं -62, तो हमें फाइंड करना है एल एन, एन चॉप फ्रॉम द लास्ट, उसके लिए फॉर्मूला कर सकते हैं एल माइनस एन माइनस वन डी, इसमें फिलअप कर लेते हैं। एल 11 हमें फाइंड करना है, तो एल मीन्स -62 है और एन मीन्स 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू आ गई है -3। डायरेक्ट एड कर सकते हैं -62 और ये 10, 11 से 1 माइनस करते हैं 10 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से और क्लियर कर लेंगे, -3 है, माइनस प्लस होने वाला है -62 एन प्लस 30। लाइक दिस फाइनल रिजल्ट आ गया -32। इस तरीके से लास्ट से जो 11 टर्म है वो -32 होगा। ये जो है, ये जो हमने आपको यहाँ पर फॉर्मूला ऐड किया है, ये सिंपल फॉर्मूला है लास्ट से एन वन टर्म फाइंड करने के लिए, एल माइनस एन माइनस वन डी, जहां पे एल आपका लास्ट टर्म है। और इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं लाइक दिस, एंड अपोजिट करके राइट करने में क्वेश्चन लॉन्ग वगैरह कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं, मे बी इफ यू वांट टू डू दिस, लेकिन ये जो सबसे इजी क्वेश्चन है और इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो रिलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस रूल यू आर ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो।